मुकेरियां विधानसभा का ब्लॉक, यहां के लोग बस स्टॉप की समस्या से दो चार होने को मजबूर हैं, क्योंकि आए दिन हाजीपुर तलवाड़ा रोड पर ट्रैफिक बढ़ने से कोई ना कोई दुर्घटना घटती है। ये है पंजाब हिमाचल सीमा पर मुकेरिया से 14 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कांगड़ा रोड पर हाजीपुर ब्लॉक। इस ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या आज तक पूरी नहीं हुई है, जो है बस स्टॉप। बहुत सी सरकारें आई चली गईं, लेकिन आज तक हाजीपुर को बस स्टॉप नसीब नहीं हुआ। हिमाचल पंजाब सीमा से सटा ये छोटा सा ब्लॉक ट्रैफिक समस्या के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं से परेशान है। बस स्टॉप न होने के चलते रोड के दोनों तरफ बसें खड़ी हो जाती हैं, जिस कारण शहर में जाम लग जाता है। जाम के कारण कोई न कोई सड़क दुर्घटना घट जाती है। लोगों की मांग है कि शहर में एक बस स्टॉप हो, जिससे ट्रैफिक की समस्या पर अंकुश लग सके। हाजीपुर के बस स्टैंड बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हाजीपुर मेन जिहड़ा शहर पैंदा आले दुआले पिंडा च, इस ब्लॉक के 105 पिंड पैंदे, ते नाल ही इहदे नाल सब्जी मंडी है, इहदे नाल मेन बाज़ार है, ते ट्रैफिक का जिहड़ा इत्थे दा जाम आम ही लगा रहिंदा। ट्रैफिक करके बड़ी दूर दूर तक चल जांदे, कई वार तां एंबूलेंस नहीं लंघ सकती, कई वार इदां दे हादसे हो जांदे आ जिहदे नाल कि बंदे दी मौत भी हो जांदी है। ये बस स्टैंड की बड़ी पुरानी इतने डिमांड सी लोगों की, पर सरकारां ने पिछलियां सरकारां ने कुछ ये बारे कोई ज़्यादा नहीं किया, जिस करके ये जी ट्रैफिक की समस्या इदा ही बनी दी है कोई पिछले 10-15 साल की। ठीक है जी, प्रशासन को मंग की जाती है हाजीपुर अड्डे से, असी स्पैशल अपील करते हैं भी इतने एक बस स्टैंड होना चाहिए, जी इतने बहुत ज़्यादा समस्या है। इतने इन्ना क्या ट्रैफिक हो जाता है, ट्रकों बसों के सब खड़े हो जाते हैं, इतों तक जी रस्ते से भी लोगों आम आदमी पैदल लंघना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस करके प्रशासन को यह अपील बार बार की जाती है कि ये हाजीपुर च बस स्टैंड बनना चाहिए, तो कृपा करके इस चीज़ बारे जरूर गौर की जाए। सर, शहर के जाम लग रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब तो बड़ा मुद्दा वाकई जी टी रोड के उत्ते जाम बहुत वड्डे पद्धर से लग जाता जी, 10-10, 20-20 बसा दोनों साइडां दे उत्ते रुक जांदियां, क्योंकि हाजीपुर दे विच एक बहुत वड्डी समस्या बस स्टैंड की है। बड़े लंबे समय तो हाजीपुर वासियों की मंग सी भी एक जिहड़ा बस स्टैंड है, वह बस स्टैंड हाजीपुर नूं मिलना बहुत जरूरी है, जिहदे करके ये जिहड़ी जाम की समस्या बिल्कुल बंद हो सकती है। ये बारे च एक पिछे मता भी पिया सी वीडियो ब्लॉक के इत्थे जिहड़ा बस स्टैंड बनाता जाए, पर वो कागजों के बीच ही दब के रह गया, वो उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और प्रशासन तो सरकार तो असी मांग करते हैं कि हाजीपुर का जिहड़ा बस स्टैंड है वह कितने साइड पर बनाया जाए, ता जो जिहड़ियां छोटियां मोटियां जिहड़ियां दुर्घटनावां भी इसे बस स्टैंड पर हो जांदियां उन्हां दे विराम चिन्ह लग जाए, तो जिहड़ा हाजीपुर की आवाजाई जिहड़ी वह सुखावी हो जाए। मैं जी विक्रम ठाकर हाजीपुर तो, सर असी आम नागरिक हैं, तो असी प्रशासन अगे अपील करांगे कि साढ़े इतने ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या, खासकर हाजीपुर अड्डे च, और असी पहले भी कह चुके हैं और बाद भी अपील करांगे कि इतने एक बस स्टैंड की जिहड़ी सुविधा दिती जाए, ता जां जिहड़े रोज़मर्रा च एक्सीडेंट हो रहे हैं वो घट जाण, क्योंकि एक ट्रैफिक इहो जी समस्या हैगी कि जिहदा सिर्फ एक बस स्टैंड ही हल है। तो असी प्रशासन अगे अपील करते हैं, बाकी देखो प्रशासन कि नहीं साड़ी सुनता। ठीक है जी, हाजीपुर के सब तो वीडी जो है कि ट्रैफिक की समस्या, जिस में जो यातायात जाम रहा अक्सर एक्सीडेंट होंगे, स्थानिक लोगों की मांग है कि जो है इतने एक बस स्टॉप होना चाहिए प्रॉपर, जिस में जो ट्रैफिक की समस्या तो निजात मिल सके। पहली गल तो पहला तो मेरे नाल कभी इस तरह गल नहीं की भी ट्रैफिक ज़्यादा हैगा वा, तो हूँ जे मेरी नॉलेज के बच्चे गल हुई है तो मैं जरूर इस समस्या का हल करांगी। पंचायत वालों वो समय पहला रेगुलेशन भी पाया गया था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं कल जाना हाजीपुर, तो मैं BDO साहब नूं भी बुला के मैं इस बारे पूछांगी, अगर जे मता वगैरह उन्होंने पाया हुआ तो मैं इनू पूरा करने की कोशिश करांगी।